वालेकुम बेटा। देखो ये जो मैंने हाफ रोस्टेड बताई थी वो तो एक गोनी ख़त्म हो गया था, ये आधी गोनी में बचा था। और ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं क्या बोलूँ, ऐसा लगता है कि मैं सेल करूँ नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी ये स्टॉक ऐसा वाला मुझे मिलता या नहीं मिलता। हो सके मिल भी जाए, हो सके नहीं मिले, क्योंकि मैंने बहुत सरल लोग से बाय करी थी पर ऐसा स्टॉक नहीं मिला था मेरे को। मतलब ग्रिटी भी बहुत दे देते उठा के। हाँ मैं ये बोल रही थी, ग्रिटी भी बहुत मिला है बेटा मेरे को। ऐसा नहीं कि मैं खाती थी तो पहले मैं लेती थी, खरीदती थी तो मेरे को अच्छा मिलता था, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रिटी मुझे भी बहुत मिला, मेरे भी पैसे बहुत वेस्ट गए, पर क्या करूँ, कुछ नहीं बोलती थी। देखो अभी आप लोग को मालूम पड़ेगा, ये है हाफ रोस्टर, ठीक है। इसमें से इतना बड़ा चंक दिख रहा है आपको, और ये दिख रहा है। अभी मैंने थोड़ी बहुत मुश्किल से 3-4 बार मारने के बाद इतना टूटा है। अभी ये चीज़ है ना, ये मैं फेंक दूंगी, इतना बड़ा है फेंक दूंगी। और आप लोग को एक ग्रिटी अंदर नहीं दिख रहा ना, पर मेरे को बराबर मालूम पड़ रहा है कि एक ग्रिटी है और कड़क है, हार्ड है खाने में, ठीक है। हार्ड है बेटा, बहुत हार्ड है। रुको मैं लाइट बंद करके भी बता देती हूँ। देखो इतना बड़ा है, देखो चंक इतना बड़ा। इसको मैं साइड में कर दूंगी। मैं बोली ना हाफ रोस्टेड में भी मेरे को बहुत आए, और मैंने अपना एक डब्बा ले ली छोटा सा, क्योंकि मेरे को भरना है अपने लिए, थोड़ा सेपरेट करना है, क्योंकि मेरे को भी खाने का मन होता है ना बेटा। फिर मेरा स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो मैं कहाँ से मंगाते बैठूँ, और मैं मंगाऊँगी तो गारंटी नहीं है कि मेरे को अच्छा मिलेगा, क्योंकि बहुत बार मैंने 5-5, 10-10 KG मंगाई, तो जैसे 5 KG मंगाई तो उसमें से 2 KG मेरे को ग्रिटी दिए, और 19-19 किलो तो मेरे को पूरा ग्रिटी मिला, पूरा ग्रिटी कचरा मिला मेरे को, ठीक है। और मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही आप लोग समझ रहे रहिए। इसलिए बाबा मैं अपने स्टॉक में से ही मेरे लिए थोड़ा मैं निकाल लूँगी, जैसा मैं मेरे बच्चे लोग को देती हूँ वैसा मैं भी निकाल लूँगी अच्छे से। देखो अभी आपको बताती हूँ, एक बच्ची को मेरे को और देना है 1/2 किलो, क्योंकि उन्होंने मेरे से, हाँ ये भी मिल गया। ऐसे चपटे चपटे चंग बोले थे, पर ऐसे चपटे चंग ना बेटा बहुत नहीं मिलते, हाँ ज़्यादा नहीं मिलते। हाफ रोस्टेड की तो मैं एकदम फ़ैन हूँ बाबा, मेरे को बहुत पसंद है, बहुत मेरे को, सब में ज़्यादा, सब में ज़्यादा मेरे स्टॉक में से, दूसरे का नहीं बोल रही मैं, मेरे स्टॉक में से। और हाँ द्वारका किले है ना, उनका हाफ रोस्टेड मेरे को बहुत पसंद है। मैंने वो बच्ची से 2 बार मंगा चुकी हूँ, क्रम्बल्स भी और फुल भी। देखो ये भी चंक कितना मस्त है, इसको भी मैं नहीं तोड़ूंगी। वो बच्ची को, मेरे को एक बच्ची को जिन्होंने मुझे 10 KG लिया है मेरे से, तो उनको थोड़ा सा मेरे को 1 किलो देना है, क्योंकि थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई थी, उनको छोटे चंक चले गए थे, तो ये 1 KG मैं उनको मेरी तरफ से फ्री में देने वाली हूँ। देख लो बेटा, मैं आपका नाम मेंशन नहीं करूँगी, आप समझ जाओ 10 KG वाले आप हो, तो आपको 1 किलो मैंने देने बोली थी, तो ये चंक आपके लिए निकाल रही हूँ सब, ये और ये, ठीक है बेटा। हालांकि उन्होंने नहीं मांगे, वो बच्ची नहीं मांगी, उन्होंने तो मेरे को रिव्यू भी दिए, और उनका मैंने रिव्यू भी डाली हूँ, पर मैंने उनको खुद बोली बेटा 1 किलो में आपको मेरी तरफ से हाफ रोस्टेड। देखो ऐसे से निकाल देती हूँ वो बच्ची का 1 किलो, और आप लोग को स्टॉक भी बता देती हूँ। ये धूल मट्टी है, और ये खाने में बहुत टेस्टी है हाफ रोस्टेड, और ये इसमें कड़वापन नहीं है। और हाँ देखो ये वाला भी कितना अच्छा है, कितना अच्छा टेक्सचर है हाफ रोस्टेड में, कैसा रहता है ना बेटा अंदर से वाइट। हाँ बेटा मैं ये बोल रही थी, तो ये देखो टेक्सचर हाफ रोस्टेड का टेक्सचर है, और ये ज़्यादा नहीं है बेटा, ज़्यादा नहीं है, ये तो बल्क मेरे को नसीब से मिल गया। अभी थोड़ा सा ये इतना, इसमें से भी थोड़ा पैकिंग में चला जाएगा। ये देखो ये बच्ची का मैं निकाल रही, देख लो बेटा बहुत अच्छा चंक है। पता नहीं मेरे को ये हाफ रोस्टेड इतना पसंद की हुई है, हाफ रोस्टेड की तो मैं बोलते ना फ़ैन हो गई। बच्चे मेरे को बोलते आंटी आपको क्या पसंद है, तो बेटा मेरे को मेरे स्टॉक में से एक क्रंची वाला हाफ रोस्टेड पसंद है, ठीक है। सुन लो आप लोग, ये है पर ये कैसा है ना, हाफ रोस्टेड है पर ये ना क्रंची है, सॉफ्ट है थोड़ा,
देखो तो बच्ची को अच्छे से ढूंढ के देना है, और मैं सोची चलो आप लोगों को स्टॉक भी बता दूं। ठीक है, देख लो देख लो देख लो स्टॉक। देखो बेटा बड़े बड़े चंक सब उधर चले गए, नीचे चले गए। रुको मैं बताती हूँ, देखो ये भी देखो, इसको तोड़ो। ये अक्का है तो इसको तोड़ के बताती हूँ। ठीक है, ये देखो देखो अक्का है, वाओ इसका टेक्चर देखो। मैं ज़्यादा नहीं तोड़ती, मैं हल्का हाथ मारती, इतना हाथ नहीं मारती कि ख़राब हो जाए। इसका टेक्चर देखो, ये भी साइड में रख देती और बच्ची के पार्सल में, ये देखो बाकी वो खुद तोड़ लेंगे। ऐसा चेक करके देती बेटा, उन्हीं को नहीं सब बच्चों को। ठीक है, जब मैं पार्सल पैक करने बैठती हूँ ना तो ऐसा चेक कर करके तोड़ तोड़ के देती। देखो इतना बड़ा चंक है ये, देखो मेरे हाथ से, मैं फर्स्ट उंगली से बताती कहाँ तक आ रहा, इतना बड़ा चंक है। ये भी देखो कितना अच्छा है, इसका टेस्ट है ना अलग ही है, मतलब स्वाद वाला है, मतलब थोड़ा सा स्वाद आता है इसमें हाफ रोस्टेड में। बाकी दूसरे इसका मैं इतनी तारीफ नहीं करूँगी जितना इसका करती हूँ। देखो ये भी मस्त है, ये चंक भी बहुत अच्छा है, और ये ऑलरेडी टूटा हुआ है, और सामने अंदर देखो ग्रीटी वाला नहीं है, खरखरा नहीं है। ये भी रख देती हूँ, देखो यहाँ जमा कर रही हूँ बच्ची का मैं, ये भी थोड़ी ना इतना बड़ा वाला। ये भी बहुत अच्छा है, देखो ये प्लेन है, अच्छा है, ये भी दे देती हूँ। 1 kg हो जाएगा तो इनका स्टॉक कर दूंगी, आप लोग स्टॉक भी देख लो। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये काम मैं बंद कर रही हूँ। क्यों पूछो बेटा, क्योंकि ये मिट्टी खाना अच्छी बात भी नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात मेरी भी आदत छूट जाएगी और मैं भी छोड़ना चाहती हूँ, मेरे को भी नहीं खाना है, खा के नहीं मरना है। क्योंकि देखो बेटा आप लोग गवाह हैं, पूरे यूट्यूब पे दूसरे भी है क्रंचर, मैं ये नहीं बोलूँगी है नहीं है, पर वो लोग क्या करते, सोलो नहीं करते, वो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाते, मुँह दिखाते, चबाते, थूक देते। ठीक है, मुँह में जमा करते, थूक देते, पर पूरे यूट्यूब पर ज़्यादा सोलो करने वाली मैं ही हूँ, शुरू से लेकर लास्ट तक। भले मैं दूसरे को वीडियो दी या मैंने अपने चैनल पर डाली, कोई सेलर आपको खाते हुए नहीं बताएगा, ऐसा बताएगा मैं बताती। ये मैं अपने लिए उठा के रख रही हूँ, हाँ इनके लिए उठ जाता है और बाकी सब नीचे रह जाता है, क्या बोलने का भी छोड़ो। ठीक है बेटा, तो इसलिए ना मैं एक ही सेलर हूँ ऐसी, जिसको बहुत चर्बी चढ़ी है, खा खा के मरते रहती हूँ सिर्फ किस लिए। वाओ ये भी कितना अच्छा चंक है, सच में बहुत अच्छा चंक है, बहुत। ये देखो टेक्सचर देखो, और इसमें हाफ रोस्टेड में सब ऐसे ही है। अगर ग्रिटी निकलता है तो मैं आपको बताई ना कैसा निकलता है, ऐसे चंक निकलते बड़े, पर ये ग्रिटी नहीं है, मैंने चेक नहीं करी, जो मैंने चेक करी थी देखो ये वो है। देखो इसको भी मैं ग्रिटी बोल रही हूँ, हालांकि इसको तोड़ूंगी तो ये ऊपर से हार्ड है पर अंदर से सॉफ्ट है, पर नहीं मुझे देना ही नहीं है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। हाँ ये चंक की बात कर रही थी, ये भी चंक वो मैं बच्ची के लिए रख देती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी बच्ची है, बिल्कुल मेरे को परेशान नहीं करे। मेरे को प्राइस पूछे, मैंने बता दी बेटा 1 kg का इतना, तो बोले हाँ ठीक है आंटी, मेरे को डायरेक्ट 10 kg दे दो। मैंने पैक कर दिया उनका और उनको पार्सल पहुँच भी गया, मुझे रिव्यू भी मिल गया। 10 kg का रिव्यू मुझे बहुत अच्छा मिला, बहुत बहुत अच्छा दिया उन्होंने, तो मैंने उनको सामने से कल मैसेज भेजी थी, बेटा आपका 1 kg मेरी तरफ से फ्री। तो ये वो बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ, देखो वाओ बाबा मेरे तो क्या बोलूँ, मैं जानबूझकर लेके बैठी। देखो शाम हो गई बेटा, दिख रहा शाम हो गई, ठीक है, फिर भी मैं जानबूझकर लेके बैठी हूँ, क्योंकि मेरे को हाफ रोस्टेड इतना पसंद है, उसकी खुशबू मैं आप लोग को मतलब क्या बोलूँ, खुशबू है ना बहुत ज़्यादा। और मैं घर में इसलिए नहीं ली क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, इतना ठंडा हो रहा है, मस्त मौसम, अच्छा लग रहा है। और थोड़े से अच्छे अच्छे चंक चुन लूँ बच्ची के लिए, वो क्योंकि 1 kg अभी हुआ नहीं है।
देखो ये है अखा वाला, ठीक है इतना बड़ा। चलो इसको तोड़ के थोड़ा सा, बाकी ये तो बहुत मज़ा आने वाला है खाने के लिए। चलो ये खाले को तोड़ते हैं, थोड़ा सा हल्का। ये मेरा ना जो बत्ता है ना, जिसे लहसुन कूटते तड़का उड़का मारती हूँ मैं दाल के लिए, तो वो है, पर मैं अभी ये इसके लिए यूज़ कर रही हूँ। देखो कितना सा हल्का हाथ मारी और आपके सामने ही खोलती हूँ। देखो बेटा ये भी नॉन ग्रेटी है, बिल्कुल ग्रेटी नहीं दिख रहा आपको, टेक्सचर देख के आपको मालूम पड़ेगा प्लेन है। आपके सामने तोड़िए चंक, ये भी मैं डाल देती हूँ बच्ची के इसमें, एकदम प्लेन है। जो खरखरा होता है ना अंदर बेटा, खरखरा वो ग्रेटी होता है, ठीक है। चलो ये भी गया, और देखती हूँ चेक करती हूँ। अच्छे अच्छे बड़े बड़े चंक बहुत है। थैंक यू हमारे सेलर को, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं हाफ रोस्टेड देख के बहुत खुश होती हूँ, मेरे को बहुत खुशी होती है क्योंकि हाफ रोस्टेड में इतने, और ये बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। अभी तक अभी मैं, रुको अभी देखो मैं ये ना, मैं बताती हूँ आपको, ये लेके रखी हूँ मैं मेरा डब्बा, ठीक है। अभी मैं इसमें जमा करूँगी, मेरे को जो जो चाहिए ना, मेरे को जो जो चंग अच्छे लगेंगे इसमें मैं ना भर दूँगी। अभी मेरा ये डब्बा है छोटा खाली, इतना नहीं है भरेला, इतना सा है, इसमें मैं भर दूँगी पूरा, जो जो मुझे पसंद आएगा इसमें भर दूँगी। अभी आपको बताती हूँ ये चंक, ठीक है, ये भी तोड़ती हूँ, ठीक है बेटा। रुको हल्का सा हाथ मारती हूँ, टूट गया। चलो अल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह करे टेक्सचर अच्छा हो। ये देखो दिख रहा है बेटा कितना प्लेन, कितना अच्छा टेक्सचर, इसका आधा टुकड़ा रहा ये। देख लो आप खुद देखो, मस्त है, खरखरे में नहीं है, प्लेन है ये। देख लो यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी देख लो, साइड से भी देख लो, ठीक है बेटा। ये ज़्यादा नहीं तोड़ूंगी क्योंकि अभी मैं इसको चेक कर चुकी हूँ। चलो अल्लाह हाफिज़ में रख दूँ। मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे बोर हो रहा था, मैं चलो मेरे बच्चे लोग के साथ थोड़ा बैठ जाऊँ, टाइम पास करूँ। वैसे तो मेरा हस्बैंड है अंदर है बैठे, और मेरी बच्ची है ना आ गई है कॉलेज से, और वो बना रही है फेंस प्रेस, क्या बोलते हो आलू का, उसको मैं बोली बाहर से मंगा ले, तो बोलती नहीं मैं घर पे बनाऊंगी। मैंने ठीक है बना ली। और अभी मैं ये वीडियो बनाने के बाद, चाय पीने के बाद जाऊंगी थोड़ा सा बाहर, डॉगी लोग को खाना देने, चिकन खरीदूंगी, फिर जो जो मेरे बच्चे हैं पिल्लू छोटे छोटे उनको खाना देके फिर घर पे आऊँगी, ठीक है बेटा। ओके देखो टेक्सचर देख लो, क्योंकि मेरे इंतज़ार रहता बेटा, उन लोग को इंतज़ार करते, क्या करूँ। देखो ये मैंने बाहर निकाली, ये ऐसा आया ये टेक्सचर, पर इसको भी क्या बोलते हैं ना, वाओ देखिए इसमें कितना कलर्स है, वाओ। देखो यहाँ प्लेन है, यहाँ भी प्लेन है, इसको चाहे तो मैं सेल कर सकती, यहाँ भी प्लेन नहीं, मैं ऐसे टेक्सचर को उठा के फेंक देती, जो मुझे नहीं पसंद आता तो मैं नहीं देती बच्चों को। सच में हाफ रोस्टेड का स्टॉक तो बोली ना, फैन हो गई हूँ मैं, फैन हाफ रोस्टेड की, वो भी क्रंची वाला हाफ रोस्टेड, सॉफ्ट वाला नहीं। सॉफ्ट वाला लेती हूँ ना, पहले ली थी मैं, उसमें थोड़ा कड़वापन था, वो नहीं लेती मैं अभी, तो मैं ये मंगाई हूँ मैन्युफैक्चर करके, कुछ मैं मैन्युफैक्चर नहीं करती, ये सुन लो, ये बोल बच्चन है, मैन्युफैक्चर कोई नहीं करता, सिर्फ हमारे को हमारे सेलर को पैसा देना होता है और उनको बताना होता है कि हमको क्या चाहिए। और मैन्युफैक्चर किसको बोलते हैं, अगर हाँ तुमने बोले कि हमको 50 किलो चाहिए या 100 किलो चाहिए, सिर्फ तुम्हारे लिए भट्टी में 50 किलो 100 किलो बन रहा है तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो भट्टी में ना हमारे साथ साथ बहुत सारी क्ले बनती है, बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी बनती है, और उसमें सबको जाती है वही क्ले, मतलब जैसे कि ये प्रोसेस है, आप लोग को समझा देती, ये क्ले का प्रोसेस है। अभी मैं बोलूँगी मेरे को 50 किलो चाहिए, अब वो मेरे लिए थोड़ी 50 किलो खाली भट्टी में डालेंगे, लाखों टन टन में लोग डाल देते हैं क्योंकि उनका सेल होता है ना, दूसरों को भी देना पड़ता है, ठीक है बेटा।
तो वो मैन्युफैक्चर मैं नहीं करके मंगाती हूँ, मैं सिर्फ बोल देती देखो सर हमको ऐसा चाहिए हमको वैसा चाहिए, तो हमारे सेलर हमको भेजते हैं, ऐसा होता है। ठीक है बेटा, देखो ये है ग्रेटी, देख रहे हैं ये टेक्चर नहीं है, है लग रहा है प्लेन, पर मैं इसको फेंक दूंगी, इसको नहीं दूंगी किसी को। ये है प्लेन ही है, ग्रेटी नहीं है, पर मैं इसको फेंक दूंगी, मेरे को ऐसे टेक्चर के पसंद ही नहीं है। देखो ये इसका टुकड़ा, ये जाएगा साइड में, और ये देखो कितना पिंक पिंक। चलो बेटा मैं बहुत बकवास कर ली, चलो अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे वापिस। ये बच्ची का 1 किलो पार्सल पूरा पैक वो कर दूँ फिनिश, और दूसरे लोग का तो अभी मैं साफ़ कर लूँगी फिर दूँगी, साफ़ करके अभी क्लीन करके डब्बे में डाल देती हूँ। इतना ही है, और बहुत बड़े बड़े चंक है, इसको मेरे को अभी तोड़ूंगी, अच्छे फुर्सत में बैठूंगी तोड़ूंगी, चेक करूंगी फिर हटाऊंगी। ठीक है, आप लोग देख लो। ये सब पिंक वाला अभी मेरे को इसमें मिलेगा, क्यों तोड़ूंगी तो देखूंगी ना, चेक करूंगी तो मिल जाएगा। देखो ये मिला पिंक, ऐसे रहते बेटा इसमें बहुत। चलो अल्लाह हाफिज़।